भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में लगातार सेवा कार्य जारी है। भारत रत्न नानाजी देशमुख संस्थान से जुड़े हुए लोग लगातार ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर सुविधाएं लगभग नगण्य हैं। संस्थान से जुड़े हुए लोग लगातार थर पहाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचकर वहां आदिवासी जनजातीय समुदाय के बीच भगवान राम की इस तपोस्थली चित्रकूट में वानरों की भी संख्या बेहद ज्यादा है। चित्रकूट के इन वानरों का मुख्य आहार यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की वजह से पूरा होता था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इन वानरों के सामने भी बेहद संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में चित्रकूट में स्थापित नानाजी देशमुख संस्थान से जुड़े लोग लगातार इन वानरों की अन्य पशु पक्षियों की भी सेवा कर रहे हैं।